हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं अभी। तो ब्रेकफास्ट में देखिए आपके सामने ही है, चिला है और ये है आस्था की प्लेट। तो उसके लिए मैंने बना दिए हैं और वीडियो थोड़ी सी लेट शूट कर रही थी, तो बस अब स्टार्ट कर रही हूँ आज का व्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ चिला, चिला बना रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे लगा है मैंने अभी चिला बनने के लिए, चिला बना रही हूँ। और ये है, मैंने आटा घोल दिया था, आटा है, गेहूँ का आटा है, ओट्स, और उसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दी थी और उसको थोड़ी देर मैंने भिगोने के लिए रख दिया था आटे को, और 10 से 15 मिनट। और जब ये भीग गया था, ये देखिए इस तरह से मैंने पतीले में आटा घोल के रखा था। तो बस वो ब्रेकफास्ट के लिए यही करके गए हैं। पतिदेव अभी अभी गए हैं और फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि पतिदेव ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं। और आराध्य ने तो मिल्क और बिस्किट ही खाए हैं आज, उसने नहीं लिया है चिल्ला भी। और आरोही खा चुकी है, आस्था को मैंने दे दिया है, और साथ में बना रही हूँ चाय। यहाँ पे साथ में चाय लगा के रखी है और ये मेरे लिए बन रहा है चिल्ला और चाय। मैं चाय के साथ खाऊंगी और आस्था भी चाय के साथ खा के, पतिदेव भी चाय के साथ खा के गए और सॉस भी था साथ में। तो सुबह सुबह कुछ स्पेशल नहीं है, सिर्फ चिल्ला बना रही हूँ। तो मैं आपको इसका बैटर दिखाती हूँ। ये देखिए ये होता है इसका बैटर। इसमें आटा है और थोड़े से ओट्स है मैंने डाले हुए, भिगोने के लिए डाल दिए थे ओट्स। इसी में मैंने प्याज और हरी मिर्च, नमक, जो भी आपके पास मसाले हो वो आप डाल सकते हो, वो डाल दिए थे। और ये देखिए ये बन रहा है, लगभग पक चुका है ये। और ये छोटा सा पैन है, मैंने इसमें बना रही हूँ मैं, और काफ़ी टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं और अच्छे होते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है ये चिले, और इजी भी हैं, जल्दी बन जाते हैं। तो कभी होता है कि सब्जी वगैरह नहीं होती है या सब्जी खाने का मन नहीं होता है, तो आप ये चिले बना सकते हो। तो बस ये बना रही हूँ मैं, अभी सबने खा लिए हैं, मैं हूँ अभी, और आराध्य ने तो मिल्क और बिस्किट लिए थे, तो मैं उसके लिए अभी बना के रखूँगी। जब उसकी क्लास हो जाएगी, अभी उसकी क्लास लगी, जब उसकी क्लास हो जाएगी उसके बाद उसको दूंगी। तो यहाँ आराध्य बैठ चुका है बाहर, ये देखिए आराध्य बैठा है, उसकी क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है। तो बस मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ अभी, फिर उसके बाद किचन की सफाई वगैरह तभी करूँगी सारी। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, तो अभी हूँ मैं किचन में और डिनर बना रही हूँ। आज कुछ खास नहीं है, दाल बॉइल कर दी है, वो भी पतली वाली दाल है, दले माश और दले मूंग की दाल है, पतली वाली दाल है, वो बना रही हूँ। और साथ ही मैं चावल को भिगो के रख दिया एक प्रेशर कुकर में, और यहाँ पे लगा रही हूँ छौंका, और साथ में यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए लगा के रखा हुआ है, क्योंकि गर्म पानी की बोतल है उसको भर के रखती हूँ, किसी को पीना होता है तो वो गर्म पानी पी सकता है क्योंकि ठंड हो चुकी है। और यहाँ पे अनियन काट के रखा हुआ है, अनियन काट दिया है यहाँ पे, मसाला मैंने इसमें कुंडी में कूट के रखा हुआ है अभी, अदरक लहसुन और मिर्च, इनका मिक्सचर मैंने ये कूट के रख दिया हुआ है। बस अब छौंका लगा रही हूँ दाल में, और चावल को भी भिगो के रख दिया था, बस अब पानी गर्म करूँगी और इसमें एक पीस लाएगी चावल में, तो चावल भी बन जाएंगे। आटा गूंद के रखा हुआ है, जिसको चपाती खानी होगी तो बनाऊँगी, लेकिन ज़्यादा कर मन नहीं होता है शाम को मिक्स अगर कोई खाएंगे, क्योंकि चपाती मेरे पास पड़ी हुई है 2-3, तो अगर होगा तो बनाऊँगी, नहीं तो वो हो जाएगी। तो बस अभी डिनर की तैयारी है और आराध्य बैठा हुआ है यहाँ पे, देखिए हाय आराध्य, ये देखिए देख भी नहीं रहा है, अभी बहुत ज्यादा बिजी है क्योंकि पूरा दिन काम नहीं करता है। और काम कर भी लिया था एक बार, काम कर भी लिया था इसने, मैंने दोबारा बोला इसको करने के लिए, क्योंकि इसने बहुत गंदी है वाली हैंडराइटिंग बनाई थी, तो फिर मैंने बोला या तो मैं क्यों बोलना, मुझे बोल रहा है बाहर से क्यों बोल रहा हूँ, मैंने बोला पेज फाड़ दूंगी अगर अच्छी हैंडराइटिंग नहीं बनाई, तो फिर इसको दोबारा से लिखना पड़ रहा है, क्योंकि इसको पता था कि मम्मा
चेक नहीं करेंगे, और स्कूल तो वैसे भी जा नहीं रहा है, तो कोई चेक नहीं करेगा तो गंदी हैंडराइटिंग में भी चल पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो मैंने कहा कि नहीं, जब तक अच्छा नहीं लिखोगे तब तक मैं लिखवाती रहूंगी बार बार। तो अब ये दोबारा से लिख रहा है, वो भी पहले रो लिया लिखने के लिए, पहले इसने थोड़ा सा रोना धोना कर लिया। रोना धोने के बाद जब मैंने ही मानी फिर भी कि नहीं तुझे लिखना तो है ही, तो फिर अब इसने लिखना स्टार्ट कर दिया है और ये लिख रहा है। और आरोही के एग्जाम 9 से स्टार्ट है, तो कभी मन करता है तो पढ़ती है। और आस्था के भी एग्जाम अभी लगने वाले हैं, तो वो भी जब मन करेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर मस्ती मारेंगे। तो बस अभी बना रही हूँ दाल। और सच में बताऊँ तो मम्मी से तीन चार दिन हो गए शायद बात करने के बगैर, टाइम ही नहीं लगता है। तो वो गुस्सा करते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ तेरे को अपनी मम्मी पापा का याद नहीं होती, अपनी मम्मा पापा को संभालना नहीं होता तुझे। तो मैं सोच रही हूँ अभी कि साथ में दाल में तड़का भी लगाती हूँ और उनको कॉल भी कर लेती हूँ, तो मेरा फ़ोन बिजी हो जाएगा। तो फिर व्लॉग भी बनाना था, तो वो वाली टेंशन भी होती थोड़ा कि व्लॉग भी बनाना है। तो फिर पहले मैं थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ। बस दाल में छौंका लगना है, सिंपल सा छौंका होता है इसका। पहले लिखो आप जाके बाहर, मेरे को पता, खुद नहीं तुझे पता, दीदी बता रही है, PROBLEM तुझे हो रही है जो है ना। तो बस अभी फिर मम्मी को कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि आज मम्मी से पक्का डांट पड़ने वाली है, क्योंकि मम्मी बोलेंगे कि तू फोन ही नहीं करती, बच्चों के साथ बिजी होते। तो सच में बोलूँ तो हाँ, बच्चों के साथ बिजी होते हैं और पूरा दिन पता नहीं कैसे बीत जाता है बच्चों के साथ ही। और अभी मेरा ध्यान बॉटल को भरने में है, क्योंकि पानी इधर उधर नहीं गिरना चाहिए, बॉटल को भरने में है। तो बॉटल भर चुकी है, और कभी होता है कि गर्म पानी पीना होता है, बच्चे ठंडे पानी पी लेते हैं गर्म, क्योंकि ठंड हो चुकी है। तो फिर मैं बॉटल भर के रखती हूँ, अभी एक बॉटल भरी है, एक आस्था के लिए भी भर के रखूंगी। तो बस फिर मम्मी को, मैं मम्मी की बात कर रही थी कि मम्मी को कॉल कर लेती हूँ, अभी मुझे पता है गुस्सा तो वो करने वाले ही हैं। तो बस अभी साथ में छौंका भी लगाती हूँ और मम्मी को कॉल कर लेती हूँ। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर के बाद, अभी पहले मम्मी से बात कर लेती हूँ। तो अब मम्मी से हो चुकी है बात, और लगभग आधा घंटा बात हुई उनसे। तो थोड़े बीमार होते हैं आजकल, तो बोल रहे थे मैं थोड़ी बीमार हूँ, बीपी हुआ है मेरा, तो टेंशन हो जाती है। तो कह रहे तुम मुझे याद नहीं करती, फोन नहीं करती। तो मम्मी से हो चुकी है बात, और चावल भी बन चुके हैं, दाल बन चुकी है, चपाती बनाओगे, अरे स्लीपर्स पहनो ठंडे, नीचे बिना स्लीपर्स के चल रहा है बेटा। तो बस हो चुकी है बात मम्मी से, और अच्छा लगता है माँ के साथ बात करके। होता ही है ना, बेटियाँ चाहे कहीं भी हो, मायके में हो, ससुराल में हो, कहीं भी हो ना, कहीं भी हो, माँ बाप हमेशा उनके सबसे क्लोज रहे हैं। वो होता है बेटियों को, माँ बाप की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि पता नहीं कैसे होंगे। तो बस मम्मी से हो चुकी है बात, और थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से नहीं हुई थी। तो आज मम्मी से बात हो गई, तो बोल रहे थे कि ठीक हूँ, ठंड भी है तो थोड़ा लगता है कि अकेले भी हैं दोनों मम्मी पापा, क्योंकि भाई भाभी होता ही, अब भाई जॉब पे है तो साथ है, तो अकेले हैं वो, तो फिर थोड़ा सा टेंशन रहती है। तो बात हो चुकी है, और खाना भी बन चुका है, पति देव अभी आए नहीं है, आने वाले हैं। तो बस अभी थोड़े से बर्तन हैं, प्रेशर कुकर वगैरह है, वो धो के रखूंगी, और जब पति देव आएंगे फिर करेंगे हम डिनर। और टाइम अभी लगभग 7:30 हो रहे हैं, आजकल दिन बहुत जल्दी या छोटे हो गए हैं, रात जल्दी हो जाती है। और आराध्य बोल रहा था कि मम्मा अभी तो 6 बजे हैं और 6 o'clock ही इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है, बाहर मून आ गया है। तो और जब गर्मी होती है तो 6 बजे तो धूप ही रहती है, तो आजकल दिन बहुत छोटे हो गए हैं, और इसलिए जल्दी जल्दी काम करके निपटा के खाना जल्दी बन जाता है। तो बस फिर बिस्तर में जाओ, यही है आजकल ठंड में। और चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, अभी बर्तन बुर्तन साफ कर लेती हूँ पहले। एवरीवन गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है, और सुबह का टाइम भी नहीं, 11 बज रहे लगभग। रात को वीडियो मैंने ये वहीं तक शूट की थी, और डिनर कर लिया था उसके बाद, और उसके बाद हम फिर रेस्ट कर रहे थे। तो बस रात का डिनर हुआ, तो मुझे फिर एंडिंग भी करनी थी, क्योंकि रात को सच में बताऊँ तो बहुत कम टाइम होता है, फिर पति देव आ जाते हैं, और फिर डिनर करके बर्तन बुर्तन भी धोने को थे, तो फिर बर्तन बुर्तन धो के, और फिर आजकल बच्चों के एग्जाम है तो फिर उनको भी थोड़ा टाइम देना होता है, तो फिर शाम को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा मुझे। तो फिर सुबह भी सो के उठ के ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि परिदेव को भी जाना होता है ऑफिस, तो सुबह जल्दी बनाने की होती है, ब्रेकफास्ट बनाने की जल्दी जल्दी लगी होती है, और बच्चों
मशरूम की क्लासेस भी होती है और बस इसमें ही पूरा टाइम बीत जाता है। तो बस अभी फ्री हो चुकी हूँ, सारा काम कर लिया है, तो फिर सोचा मैं वीडियो के एंडिंग में कर दूंगी। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर कीजिएगा ही कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।